श्री गणेश आए नमो नमः। मित्रों, अनोखा संगम का पंचांग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पंचांग के विषय में। आज के पंचांग में तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण की विस्तृत जानकारी के साथ साथ आज का शुभ समय अभिजीत मुहूर्त, अशुभ समय राहु काल, आज के दिन और रात का चौघड़िया और आने वाले दिनों के व्रत और त्योहारों के बारे में पूरी पूरी जानकारी मिलती है। आइए जानते हैं आज का शुभ पंचांग। पंचांग से पहले आज का सुविचार, गुस्सा बहुत ही चतुर होता है, हमेशा कमजोर पर ही निकलता है। क्रोध आने का केवल एक ही मूल कारण है कि व्यक्तियों अथवा परिस्थितियों का हमारे अनुकूल ना होना। आज की तारीख 27 अगस्त 2023, आज का वार रविवार। आज विक्रम संवत 2080, शक संवत 1945, गुजराती संवत 2079 और कली संवत 5125 चल रहा है। आज श्रावण माह का 26वां दिवस है और शुक्ल पक्ष है। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 9:32 रात्रि तक रहने वाली है। इसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज के सूर्योदय का समय है 5:56 सुबह, सूर्यास्त का समय रहेगा 6:50 शाम को। आज चंद्रोदय का समय है 4:04 शाम को और चंद्रास्त 2:19 अगले दिन सुबह पर होगा। आज चंद्रमा धनु राशि में विराजमान है, आज सूर्य सिंह राशि में विराजमान है। आज का सूर्य नक्षत्र मघा नक्षत्र है। आज चंद्रमा मूल नक्षत्र में 7:16 सुबह तक रहेंगे। इसके बाद चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में विराजमान हो जाएंगे और 5:15 अगले दिन सुबह तक रहेंगे। आज का पहला कर्ण वणिज 10:55 सुबह तक रहेगा। आज का दूसरा कर्ण विष्टि 9:32 शाम तक रहने वाला है। आने वाले व्रत और त्योहारों की सूची में 27 अगस्त को पुत्रदा एकादशी, 28 अगस्त को दामोदर द्वादशी और प्रदोष व्रत होगा, 29 तारीख को द्वितीय मंगला गौरी व्रत है और ओणम भी है, 30 तारीख को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा, 31 को भी लगभग सुबह 7 तक रक्षाबंधन का त्योहार है। आज का योग प्रीति 1:27 दोपहर तक रहने वाला है। इसके बाद आयुष्मान योग प्रारंभ हो जाएगा। और दिशाशूल की बात करें तो आज पश्चिम दिशा की ओर दिशाशूल है। किसी खास कार्य के लिए, किसी खास प्रयोजन के लिए आज के दिन पश्चिम दिशा में यात्रा न करें। बहुत ही आवश्यक होने पर पान, घी अथवा दलिया, इनमें से किसी एक वस्तु का भी सेवन करके अपनी यात्रा प्रारंभ करें। ऐसा करने से दिशाशूल का कुछ प्रभाव अवश्य ही कम हो सकता है। आइए जानते हैं आज के प्रीति योग के बारे में। जैसा कि इसका नाम है प्रीति योग, इसका अर्थ है कि यह योग परस्पर प्रेम का विस्तार करता है। अक्सर मेल मिलाप बढ़ाने, प्रेम विवाह करने और अपने रूठे हुए मित्रों और संबंधियों को मनाने के लिए इस योग में प्रयास करना चाहिए तो अवश्य ही सफलता मिलती है। इसके अलावा झगड़े निपटाने, समझौता करने के लिए और कराने के लिए भी यह योग शुभ माना गया है। इस योग में किए गए कार्य से मान सम्मान की प्राप्ति भी होती है। यदि आपकी कुंडली में है प्रीति योग तो आप अपने मृदुभाषिक कौशल और बातों से लोगों को प्रभावित करते हैं। आप लोग साहसी हैं और नेक रास्ते पर चलना पसंद करते हैं। आज का शुभ समय, आज का अभिजीत मुहूर्त 11:57 दोपहर से 12:49 दोपहर तक रहेगा। बीजे मुहूर्त का समय 2:33 दोपहर से 3:25 तक रहने वाला है और ब्रह्म मुहूर्त का समय 4:26 सुबह से 5:10 सुबह तक ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा। आज का अशुभ समय, आज का राहुकाल 5:12 शाम से 6:49 शाम तक रहने वाला है और यमगण काल का समय 12:23 दोपहर से 1:59 तक रहेगा। मित्रों, राहुकाल और यमगण काल दोनों ही अशुभ समय है, इसलिए इन समय के दौरान किसी भी प्रकार के शुभ कार्य, नए कार्य, मांगलिक कार्य प्रारंभ नहीं करने चाहिए, अन्यथा कोई विघ्न बाधा आ सकती है।
आज के अन्य शुभ योगों में से अमृत कालम योग 12:51 मध्यरात्रि से 2:19 अगले दिन सुबह तक रहेगा और रवि योग का समय 5:56 सुबह से 7:16 सुबह तक रहने वाला है। आज दिन के चौघड़िए में चर समय 7:32 सुबह से 9:09 तक रहेगा। लाभ समय 9:09 सुबह से 10:46 तक रहने वाला है। अमृत समय 10:46 सुबह से 12:23 दोपहर तक रहेगा और शुभ समय दोपहर के 2 बजे से 3:36 दोपहर तक शुभ समय रहेगा। आइए जानते हैं आज के रात्रि का चौघड़िया। शुभ समय रहेगा 6:50 शाम से 8:13 तक। अमृत समय 8:13 शाम से 9:36 तक रहने वाला है। चर समय 9:36 शाम से 11 बजे रात्रि तक होगा। लाभ समय 1:46 अगले दिन सुबह से 3:10 अगले दिन सुबह तक होगा और शुभ समय 4:33 अगले दिन से 5:57 तक रहेगा। मित्रों, ये था आज का शुभ पंचांग। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो नए अपडेट के साथ। आज बस इतना ही। तब तक देखते रहें हमारा चैनल अनोखा संगम और इसे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य ही लिखें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।